हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान बाजार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक होगा क्लास टेन का, और क्लास टेन का मैथ को लेकर के आए हैं। और मैथ में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसा चैप्टर जो क्लास नाइन तक स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, लेकिन वो टेन में ज़बरदस्त एंट्री मारता है। और दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी कहीं एंट्री मारता है तो अपना रूप दिखा देता है। इसी तरह से ऐसा चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, और ये जब क्लास टेन में एंट्री मारता है तो स्टूडेंट को लगता है कि भाई साहब ये क्या आ गया। आपको भी लगता होगा मुश्किल, लेकिन दोस्तों मैं आपको कह दूं कि ये चैप्टर भले ही आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आज के बाद से आप इन सारे प्रश्नों को चुटकी बजाते हुए हल कर लेंगे। आपको मैं ये कह नहीं रहा हूँ, बल्कि आप खुद कमेंट में कहिएगा कि भाई क्या बात है, ये तो मज़ेदार तरीका है त्रिकोणमिति पढ़ने का। और त्रिकोणमिति को हम पानी पानी करने वाले हैं, त्रिकोणमिति से आपको हम मोहब्बत कराने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, और जितने भी दोस्त जुड़े हैं सभी को मैं कहूंगा कि आज से पढ़ाई का तरीका बदल देंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। शुरू से लेकर के अंत तक, अर्थात जीरो से लेकर के हीरो तक, ए टू जेड आपको सब कुछ डिटेल बताने वाले हैं, और ऐसा तरीका कि आपके मन को और दिमाग में बैठ जाने वाला है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको लेकर के चलते हैं त्रिकोणमिति में। दोस्तों, त्रिकोणमिति यहाँ पर आप देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, ये चैप्टर का नाम है 8वां चैप्टर एनसीईआरटी बुक का, और हम एनसीईआरटी बुक को ही अभी सॉल्यूशन कराने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर को आसानी से आप समझते चले जाएंगे। आज हम बेसिक पर बात करेंगे, जो बेसिक को समझ लिया, जैसे बेस को समझ लिया, उसके बाद इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए बेस की बात करते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि त्रि अर्थात होता है तीन, और कोण का अर्थ होता है एंगल। आपको पता है ये हमारा क्या हो गया, तीन एंगल से बना हुआ कोई भी जो है ज्यामिति, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति, तीन कोणों से बना हुआ। अब यहाँ पे बात आता है कि तीन कोण से क्या बनते हैं, तो तीन कोण से आपको पता है कि त्रिभुज बनते हैं भाई साहब, जिसका क्या होता है तीन कोण हो, है ना। देखिए, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, तीन कोण इसमें बन रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे बन रहा है तीन कोण, तो इसी को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। देखिए, और हमको यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों त्रिकोणमिति में ट्रायंगल के ही बारे में पढ़ना है। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है, भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, किस आधार पर, भुजा के आधार पर। अब हम बात करते हैं कौन कौन सा होगा, तो देखिए, एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या हो गया, तीनों भुजाएं बराबर हो, अर्थात इसका यदि नाम दे दिया जाए दोस्तों ए बी सी, तो यहां क्या होगा, ए बी बराबर होगा बी सी का, और बी सी बराबर होगा ए सी का, अर्थात कह सकते हैं कि ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होगा दोस्तों, ये इसके दो भुजाएं बराबर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा, ए बी बराबर ए सी होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ए बी बराबर ए सी हो गया, दो भुजाएं आपस में बराबर, तो इसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। और तीसरा हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, अर्थात तीनों भुजाएं इसके क्या हैं, अलग अलग माप के होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से देखिए, ए बी सी इसका नाम हम रख दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ए बी बराबर नहीं होगा किसका, बी सी का, और बी सी भी बराबर नहीं होगा किसका, ए सी का। ये चीज़ क्लियर हो गया क्या, हम देखें कि ये हमारा तीनों भुजाएं, इसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया, विषम, विषम बाहु त्रिभुज,
इस आधार पर हम देखें कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। पहला यहाँ पे हम देखें समबाहु, जिसके सभी भुजाएं बराबर, समद्विबाहु, जिसके दो भुजाएं बराबर, और विषम बाहु त्रिभुज, अर्थात जिनका कोई भी भुजा बराबर ना हो। तो ये हमारा हो गया क्या, भुजा के आधार पर। अब हम बात करते हैं दोस्तों कोण के आधार पर। तो देखिए कोण के आधार पर यदि हम बात करें, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने भाग हो जाएंगे, तीन भाग हो जाएंगे। कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कैसे होगा, देखिए एक तो हमारा होता है सम कोण त्रिभुज, जिसका कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे देखेंगे ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा सम कोण त्रिभुज। सम कोण त्रिभुज इसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं ABC, जहाँ B क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये हमारा सम कोण त्रिभुज हो गया। दूसरा क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण अर्थात कहने का अर्थ है कि जिसमें थीटा क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये बन रहा था सीधा, है ना, सीधा था तो 90 डिग्री था, लेकिन इसमें क्या है, इस एंगल को ऐसे झुका दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों, इस त्रिभुज के तीनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, अर्थात क्या है, 90 डिग्री से कम, तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो इसी को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, हो गया हमारा क्लियर। और तीसरा यहीं पे हम बात करते हैं तो अधिक कोण त्रिभुज होते हैं। देखिए 90 डिग्री से प्लस, ये हमारा 90 डिग्री बनता, लेकिन यहाँ से क्या है, ये ज़्यादा है, तो यहाँ इसको हम थीटा यदि लेट करें तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, अर्थात जो कोण होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, इस आधार पर हम यहाँ पे चर्चा किए कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, और उसमें से हम देखें कि दोस्तों त्रिभुज के तीनों प्रकार में हम देखें कि समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ये तीनों प्रकार के त्रिभुज को हम देख लिए, और भुजा के आधार पर भी हम तीन प्रकार के त्रिभुज को देख लिए। अब बात करते हैं कि ये त्रिकोणमिति में हमको किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है या सभी के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो त्रिकोणमिति है वो हमको समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है दोस्तों। अब यहाँ पे हम इन सारे त्रिभुज को छोड़ करके सिर्फ हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो अब हम समकोण त्रिभुज को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज में, और समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। अब इसका हम नाम लिख देते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और यहाँ पे सी हो गया। समकोण त्रिभुज का नियम क्या होता है कि ये जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, अर्थात क्या हुआ, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री कोण होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना। और त्रिभुज का गुण क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो त्रिभुज होता है दोस्तों इसमें हमको तीन भुजाएं दिख रहा है, आप भी देख रहे होंगे, ये एक भुजा है, फिर ये एक भुजा है, और फिर यहाँ पे ये भुजा है। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं, और तीन भुजाएं यहाँ पे हमको दिख रहा है। अब यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए कैसे, जो ये हमारा दिख रहा है जहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री बना हुआ है, और ये किस पर बना हुआ है, इसका बेस क्या है, तो देखिए BC है ना, BC के ऊपर ही ये खड़ा है, जिस पर कोई भी लंब खड़ा होता है वो इसी को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, अर्थात क्या कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। तो ये हमारा आधार कौन सा हो गया, BC हमारा आधार हो गया। और दोस्तों ये आधार पर जो खड़ा होता है, ऊर्ध्वाधर रूप से जो खड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, लंब कहते हैं, और इसी का नाम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ से ये आपका क्लियर हो गया, और ये आधार को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो दोस्तों दोनों को, ये लंब से लेकर के बेस का जो अंतिम छोर है, ये जो खींचा गया है, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसका इसका नाम हमारा हो गया कर्ण, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ से आप क्लियर कर पाए होंगे कि जो
क्षैतिज रूप में होता है उसको हम बेस कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रूप में होता है उसको लंब कहते हैं, और वो जो तिरछे रूप में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये तीनों चीज़ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, बेस को हम बी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर लंब को हम देखिए पी से डिनोट करते हैं, और कर्ण को हम एच से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पर देखे होंगे कि ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कौन होता है, कर्ण होता है। कहीं भी आप देखेंगे, जब भी आप समकोण त्रिभुज किसी भी माप का बनाएंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कि कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो तीनों भुजाएं हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड होने का अर्थ क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए एंगल कब जब बनता है वहाँ पे दो भुजाओं का योग होता है, जैसे एक भुजा इधर से आया और एक भुजा इधर से आया, और दोनों जब यहाँ पर आपस में मिलता है तभी कोण का निर्माण होता है। एक भुजा से कभी भी कोण का निर्माण होगा क्या, नहीं होगा। या तो देखिए दोस्तों एक भुजा ऐसे है, एक भुजा इधर से गुजर गया, तो यहाँ पे क्या है, कोण का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब भी दो भुजा आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे कोण का निर्माण होता है। जैसे यहाँ भी देख लीजिए, इधर से बी सी आया और इधर से ए सी आया, और दोनों जब मिला तो यहाँ पे एंगल का निर्माण हुआ। उसी तरह से देखेंगे कि यहाँ पे ए बी और यहाँ से ए सी, और दोनों यहाँ जब मिला दोस्तों तो यहाँ भी क्या हुआ, कोण का निर्माण हो गया। इस आधार से हम देखेंगे ये हमारा हो गया। अब इसी में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि एक पाइथागोरस नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा कि एक परिमेय दिए, थ्योरम दिए, और उन्होंने कहा कि ये पाइथागोरस के थ्योरम के नाम से जाना जाएगा। और उन्होंने क्या कहा दोस्तों कि उन्होंने कहा कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। इसको यदि हम ऐसे लिख दें, देखिए दोस्तों कर्ण यहाँ पर है तो हम लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या बोले हम कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही बोले ना हम, क्या बोले कि लंब का जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। देखिए दोनों का योग हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे ये कौन सा थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम है। आप यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि पाइथागोरस परमय, जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और इन्हीं का कहना था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से देखते हैं। देखिए दोस्तों कर्ण को हम क्या कहे हैं, शॉर्ट में एच कहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या एच का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, एच का स्क्वायर बराबर लंब को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं, तो ये हमारा पी का स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ आधार को हम क्या कहते हैं, तो बी कहते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, बी का स्क्वायर कर देते हैं। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम क्या देखें कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको और थोड़ा सा बारीकी से लिख देते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ होता है। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। दोस्तों यहाँ से हम क्या देखेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम आखिर क्यों दिए, इनका थ्योरम देने का तात्पर्य ये था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज में दो भुजा ज्ञात हो और तीसरा भुजा ज्ञात करना हो तो आसानी से इस फॉर्मूले से हम तीसरा भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। चाहे उसमें आधार और लंब दिया हो तो कर्ण ज्ञात करना हो, या फिर कर्ण या लंब दिया हो तो आधार ज्ञात करना हो, या फिर आधार और कर्ण दिया हो और लंब ज्ञात करना हो, सभी को हम इसी फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ से देखिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे पता है कि h स्क्वायर है और इसको हम क्या करते हैं, h निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर को बराबर के वो साइड ले जाते हैं, तो ये हमारा अंडर रूट में होता है। तो क्या हो गया, अंडर रूट पी का स्क्वायर है और प्लस क्या है, बी का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, एक फार्मूला ये बन गया। ठीक है, अब हम दूसरा फार्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे इससे हम चलते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको अब क्या निकालना है, पी अर्थात लंब निकालना है। तो देखिए पी स्क्वायर को हम यहाँ पर रखते हैं, पी स्क्वायर को यहीं रखते हैं, और ये हमारा एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर यहीं रहेगा, और ये बी स्क्वायर जो हमारा जोड़ में है इधर जाएगा तो क्या होगा, घटाव में हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, प्लस में, और इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से क्या निकल गया, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा।
अब यहाँ से देखिए पी को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, पी है तो ये इधर जाएगा तो अंडर रूट लगेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या निकल गया, दूसरा फॉर्मूला निकल गया। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप जो हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या किए थे, ये प्लस में था इधर लाए हैं तो माइनस में, एक छोटा सा लिख देंगे कि कोई भी चीज़ यदि यहाँ पे प्लस में हो और बराबर के वो साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और फिर दूसरा क्या है कि यदि कोई चीज़ माइनस में है और बराबर के वो साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात क्या है माइनस और प्लस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, माइनस वाला प्लस के साथ चला जाएगा और प्लस वाला माइनस के साथ चला जाएगा, और क्या है यदि गुना में कोई भी चीज़ है और बराबर के वो साइड ले जाएंगे दोस्तों तो ये भागा में चला जाएगा, और यहाँ पे भागा में कोई चीज़ है और उसको बराबर के वो साइड ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, और यदि कोई भी चीज़ स्क्वायर के रूप में है और उसको उधर ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, और यदि कोई चीज़ रूट में है और उसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा स्क्वायर में हो जाएगा। ये यदि आप छः चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब देखिए तीसरा हम क्या करते हैं, यही फार्मूला से हम अब क्या निकालना है, हमको बेस निकालना है, आधार निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए आधार निकालना है तो ये तो हम बी स्क्वायर को यहीं पे रखते हैं, और दोस्तों ये हमारा एच स्क्वायर बराबर के ये साइड ही रहेगा, लेकिन ये पी स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ पर देखिए प्लस में है ना, तो इसको यदि हम बराबर के ये साइड ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस पी स्क्वायर होगा, पी है ये तो पी स्क्वायर हो गया। जैसे देखिए प्लस में था, प्लस में है, इसको बराबर के वो साइड ले जाएंगे क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये हमारा हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसी से हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से बी निकाल लेते हैं तो ये स्क्वायर में है उधर जाएगा तो क्या होगा, देखिए रूट में आ जाएगा, तो रूट में हम इसको ले लेते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, और इस आधार पर हमारा क्या निकल गया बी भी निकल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने एच निकाल लिया, यहाँ से पी निकाल लिया, और यहाँ से बी निकाल लिया, अर्थात कर्ण भी निकाल लिया, लंब भी निकाल लिया, और आधार भी निकाल लिया। कौन से फार्मूला से, तो यही एक फार्मूला जो पाइथागोरस साहब ने दिए थे, और उसी फार्मूला से हम स्थिरभुज के हर एक भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर ये जो प्रश्न है, ये जो थ्योरम है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और इसमें ये इसका आधार है और इसका मान दिया हुआ है तीन, ये इसका लंब है और इसका मान दिया हुआ है चार, और यहाँ से आपको पूछ रहा है कि इसका कर्ण क्या होगा, कर्ण के बारे में पूछ रहा है कि कर्ण का जो लंबाई होगा वो क्या होगा। बेस दिया है तीन यूनिट, परपेंडिकुलर दिया है चार यूनिट, और यहाँ से हाइपोटेनस आपको पूछ रहा है, तो देखिए हाइपोटेनस को हम एच से डिनोट करते हैं, और एच से डिनोट करते हैं दोस्तों, हम बताएं कि पाइथागोरस साहब ने कहा था कि यदि दो भुजा दिया हुआ हो और तीसरा भुजा ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, हमको चाहिए क्या एच चाहिए है ना, कर्ण चाहिए, तो कर्ण के लिए दोस्तों फार्मूला है एच बराबर, देखिए अभी निकाले हैं ना, एच बराबर क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट है, तो यहाँ से हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए लिख लेंगे कि बी बराबर तीन है और पी बराबर चार है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है एच, एच बराबर क्या होता है रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो एच को यहीं रखते हैं, और देखिए पी का स्क्वायर पी के जगह कितना है चार है, तो चार का स्क्वायर हुआ प्लस बी के जगह कितना है तीन है, तो तीन का स्क्वायर हुआ, और इस तरह से हम देखेंगे दोस्तों हमारे पास रिजल्ट होगा कि चार का स्क्वायर क्या हो गया 16, और पाँच ये तीन का स्क्वायर कितना हो गया 9, अर्थात क्या हो गया अंडर रूट 16 और 9 25 हो गया, 25 को यदि हम रूट से हटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5, अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि एच का मान कितना आ गया 5 आ गया, तो आसानी से हम निकाल लिए। इसी प्रकार से ये फार्मूला लगा करके हमने निकाल लिया, इसी प्रकार से क्या है कि ये हमारा लंब दे दिया हो, कर्ण दे दिया हो और बेस पूछे, तो ये बेस वाला फार्मूला से हम निकाल लेंगे, और यदि बेस दे दिया हो, कर्ण दे दिया हो और पी हमको पूछे मैंने लंब पूछे, तो यहाँ से हम लंब वाला फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ये फार्मूला को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे, ये है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम त्रिभुज के बहुत सारे कोई भी पार्ट को निकालना हो, कोई भी भुजा को निकालना हो तो आसानी से निकाल पाएंगे, और इस चैप्टर में दोस्तों इसका बहुत ही उपयोग होने वाला है, इसीलिए हम इसको पूरा डिटेल से बता दिए हैं, आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा।
अब हम चलते हैं दोस्तों इसका और भी डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा है लंब, आधार और कर्ण, ये क्या है, तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड का अर्थ क्या होता है कि आधार का कोई संबंध लंब के साथ होगा और लंब का कोई संबंध कर्ण के साथ होगा और कर्ण का कोई संबंध आधार के साथ होगा। यहाँ से हम क्या देखें कि इन तीनों के बीच में कोई ना कोई आपस में रिलेशन है, कोई ना कोई संबंध है और उसी संबंध को हम यहाँ पे व्यतीत करने वाले हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा आधार का संबंध किससे हो गया, लंब से, तो यही संबंध क्या होगा, लंब का कर्ण से और कर्ण का आधार से होगा। और वही संबंध यदि हम यहाँ पे देखें कि आधार का कर्ण लंब से है तो लंब का भी क्या होगा, आधार से होगा। और यहाँ भी देखेंगे कि लंब का कर्ण से है तो कर्ण का भी क्या होगा, लंब से होगा। और यहाँ दोस्तों कर्ण का आधार से है तो आधार का भी संबंध कर्ण से होगा। इस आधार पर हम देखें कि दोनों का संबंध आपस में होता है, एक तरफ से रिश्ता नहीं होता है, रिश्ता क्या होता है, दोनों तरफ से। आधार यदि लंब को पूछ रहा है तो लंब भी क्या आधार को पूछता है। तो इस आधार पर हम यहाँ पे देखें कि छह तरह का संबंध बनता है, कैसे कैसे बनता है, और वही चीज हम यहाँ पे त्रिकोणमिति का परिचय में डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड आएंगे जो आपके लिए नया होगा क्योंकि आप क्लास 9 तक उसको नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको भी याद करा देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, छह भाई होते हैं और छहों का नाम हम यहां पे लिख रहे हैं। क्या नाम है, पहला का साइन थीटा, दूसरा का नाम क्या है, कॉस थीटा, और तीसरा का नाम है टेन थीटा। ये थीटा होता है हमारा जो कोण को निर्देशित करता है, और चौथा होता है हमारा कॉसेक थीटा, और पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा जो भाई है उसका नाम है कॉट थीटा। दोस्तों यहाँ पे जो थीटा हम बार बार लिख रहे हैं वो थीटा किसी भी एंगल को डिनोट करता है, कोई भी कोण को डिनोट करता है, और वो कोण ये कोण या फिर ये कोण हो सकते हैं। तो कौन को डिनोट कर रहा है, तो क्या हो गया, नाम यहाँ पे देख लिए कि छह भाई है और छहों भाई का कोई ना कोई नाम है, और नाम क्या था, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। नाम को आप आसानी से ऐसे याद रखेंगे, चार भर यदि आप बोलेंगे दोस्तों तो आपको याद हो जाने वाला है क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इसको तीन को एक साथ याद रखिए, साइन कॉस टेन फिर कॉसेक सेक कॉट, छहों आपको याद हो गया होगा क्या है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, छह भाई और छहों का नाम याद हो गया। अब इससे हम बारीकी रूप से देखते हैं कि कैसे कैसे इससे बीच में संबंध है और किसका क्या क्या वैल्यू है। जैसे हम यहाँ पे बात किए दोस्तों छह भाई है और छहों भाई के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं, तो देखिए साइन थीटा जो है इनका जो संबंध होता है वो लंब और कर्ण के साथ संबंध होता है। अर्थात क्या, लंब और कर्ण का संबंध होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लंब और नीचे में क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब बटा में कर्ण क्या हो गया, साइन थीटा का संबंध हो गया। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों, ये लंब और कर्ण का संबंध हो गया, और दूसरा जो हमारा कॉस है वो आधार और कर्ण का संबंध को निर्देशित करता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आधार, आधार और कर्ण है तो बट्टा में कर्ण, दोनों का रिलेशन हम देख लिए। और तीसरा जो हमारा टेन है वो लंब और आधार को निर्देशित करता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लंब बट्टा में आधार लिखेंगे। ये किसका संबंध हो गया, तो टेन का संबंध हो गया ये। फिर कॉसेक का हम बात करते हैं, यहाँ से आप देखिए दोस्तों ये तीन का जो संबंध होता है उसी का उल्टा इन तीनों में होता है। कैसे होता है ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे देखिए साइन का जो संबंध हुआ वही क्या होगा, कॉसेक का उल्टा हो जाएगा। कैसे, लंब बटा कर्ण है ना, तो इसका क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण और बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये कैसे हम लिखें, जैसे हम आपको बताए थे कि इसका संबंध लंब का संबंध कर्ण के साथ बन रहा है, तो वही संबंध कर्ण का भी लंब के साथ बनेगा। देखिए यहाँ पे हम बताए थे ना, कर्ण का भी संबंध लंब के साथ बनेगा, लंब का इसके साथ बन रहा है, तो देखिए साइन में क्या बना, लंब और कर्ण का, तो इसमें कॉसेक में क्या बनता है, कर्ण और लंब का, क्योंकि साइन और कॉसेक आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो साइन का जो बना उसका अपोजिट उल्टा हो गया, क्या, कर्ण बटा लंब हो गया, किसका हो गया, ये कॉसेक का हो गया। वहीं पे दोस्तों कॉस और सेक जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो कॉस का क्या बना है, आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या बनेगा, कर्ण बटा आधार बन जाएगा।
कर्ण बटा आधार बन जाएगा। आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर हम देखते हैं टेन जो होता है वो कॉट का ऑपोजिट होता है। और दोस्तों कॉट का क्या बनेगा, देखिए लंब बटा आधार टेन का है तो इसका आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इसमें हम देखें कि आधार और नीचे में क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें कि छः भाई है और छो भाई में से क्या क्या का संबंध बना, इसको हम बहुत डिटेल से देखें। आपको कभी इसको रटने का ज़रूरत नहीं होगा, आप आसानी से देख पाएंगे कि साइन यदि रहेगा तो लंब और कर्ण का बनेगा, कॉस यदि रहेगा तो उसमें हम देखेंगे दोस्तों आधार और कर्ण का बनेगा, और टेन थीटा रहेगा तो उसमें लंब और आधार का बनेगा। और तीनों का यदि बन गया तो वहीं पर क्या होता है, ऑपोजिट भी रिलेशन बनता है, जिसमें हम देखें कि कोशक में कर्ण और लंब का बना, यहां पे हम लिखे हुए हैं। और उसके बाद जो होता है सेक में, सेक में हमारा बनता है कर्ण और आधार का, जो यहां पे लिखे हुए हैं। और फिर कॉट में बनता है आधार और लंब का, जो यहां पे हम लिखे हुए हैं। इस प्रकार से ये छो भाई का यहां पे बांट दिया गया है कि किसका किसके साथ संबंध होगा। अब इसको हम और आसान करते हैं दोस्तों, वो कैसे करते हैं ये यहां पर देखिए। जैसे यहाँ पे लंब बटा कर्ण है तो लंब को हम किससे डिनोट करते हैं, तो P से डिनोट किए हैं, और कर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं। तो लंब के जगह पर हम P लिख दें और कर्ण के जगह पर H लिख दें, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लंब के जगह P लिखे हैं और कर्ण के जगह H लिखे हुए हैं। तो इसका क्या हो गया, शॉर्ट में आप याद रखेंगे P बटा एच, साइन थीटा बराबर P बटा एच। और यहीं पे हम कॉस वाला बात करते हैं दोस्तों, आधार बटा कर्ण है तो देखिए आधार को हम क्या लिखे हुए हैं, बी, और कर्ण को क्या लिखे हुए हैं, एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और बटा में एच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए टेन का यदि हम लिखेंगे तो लंब बटा आधार, लंब के पास चले जाइए क्या है, पी, और आधार के पास चले जाइए क्या है, बी। तो हम ऊपर में क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ये भी आपका आसान हो गया। अब वही चीज़ हम क्या बोले थे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक का, तो देखिए पी बटा एच है तो इसका क्या हो जाएगा, एच बटा पी। भाई साहब उल्टा का मतलब क्या होता है, माथा को नीचे कर दो और पैर को ऊपर कर दो, तो यहाँ माथा इसका क्या था, पी, तो पी को नीचे कर दिए, पैर था क्या, एच, तो एच को हम ऊपर कर दिए, तो ये उलट गया ना, उलट गया, तो ये किसका बन गया, कोसेक का। और सेक का कैसे बनेगा, तो कोस का उल्टा, कोस का क्या है, बी बटा एच है, तो इसका क्या हो जाएगा, एच बटा बी होगा, कोई दिक्कत, एच बटा बी हो गया। और यहीं पे दोस्तों कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो टेन का क्या है, पी बटा बी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बी बटा पी होगा। बहुत आसान हो गया, इतना सिंपल हो गया कि अब हम इसको इस तरह से याद कर लिए। और इसको हम सिंपल बनाना चाहते हैं दोस्तों, और वो सिंपल इस तरह से बनेगा कि देखिए आप ऊपर वाले को एक साथ याद रखिए, पी है, बी है और पी है, ठीक है, और फिर एच है, और यहाँ भी एच है, और यहाँ भी बी है। इसको हम कैसे याद रखते हैं कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, कैसे याद रखें, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। और ये जो संबंध होता है ये तीन का संबंध होता है, तो यहाँ से आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ये जो संबंध तीन का बना, और ऊपर वाला जो होता है सबसे पहला वो साइन का होता है, और दूसरा जो होता है कॉस का होता है, और तीसरा जो होता है टेन थीटा का होता है। कैसे हुआ, देखिए साइन पी बटा एच, कॉस बी बटा एच, यहाँ भी देखिए साइन पी बटा एच, कॉस बी बटा एच, और टेन है तो पी बटा बी, पी बटा बी आ गया। क्या था फॉर्मूला, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, यहाँ से क्लियर हो गया क्या था, थोड़ा सा आप याद रखेंगे, और तीन इससे क्लियर हो गया। अब दोस्तों तीन क्लियर हो गया, लेकिन तीन ये नहीं क्लियर हुआ, उसको भी देखिए, ये है हमारा कॉसेक का, और ये है हमारा सेक का, और ये है हमारा कॉट का। कैसे, इधर से ले रहे हैं ना, कॉसेक इधर से ले रहे हैं ना, तो क्या होगा, एच बटा बी होगा, तो देखिए एच बटा बी आया, किसका है, कॉसेक का। और वहीं पे दोस्तों सेक को यदि लेंगे तो इधर से लेंगे ना, तो एच बटा बी आएगा, तो एच बटा बी किसका है, सेक का है। और वहीं पर दोस्तों कॉट को यदि हम लेंगे तो नीचे से ऊपर लेंगे, बी बटा पी है, तो देखिए बी बटा पी आया। इसका अर्थ क्या है कि जो भी हम वैल्यू लेने वाले हैं वो सभी वैल्यू इसी से रिलेटेड होगा, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल से ही रिलेटेड होगा, तो आप इसको क्लियर कर पाएंगे। और यदि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि कॉस थीटा निकालिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आपको याद रखना होगा दोस्तों बी बटा एच होगा, अर्थात इसका जो रिलेशन बनेगा आधार और कर्ण के साथ बनेगा किस में, कॉस में।
देखिए आपको क्लियर हो गया होगा बी बटा एच। अब आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ पूछते आप आसानी से बता देंगे। आप बताइए कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा आपको पता है कि अंतिम वाला होता है, अंतिम वाला होता है क्या होता है बी बटा पी, और आपका क्या होगा बी बटा पी। यहाँ से भी क्लियर हो गया। इस आधार पर दोस्तों हम देखेंगे कि जो भी प्रश्न आपको पूछा जाए इन सारे छः भाइयों से रिलेटेड, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से उसका जवाब देंगे, क्योंकि आपके पास ये फार्मूला पता है। क्या था फार्मूला? पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। यदि आप ये भी बोलते हैं तो कितना अच्छा नाम है, इधर प्रभु का नाम भी ले लेंगे और आपको ये फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम इसको और आसान बनाते हैं। ये तो सीबीएसई वाले के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन जो जैक वाले स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा हिंदी से ज़्यादा मोहब्बत है उनके लिए भी हम थोड़ा सा काम करते हैं दोस्तों। और वो क्या काम है, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला है लाल बट्टा कक्का। क्या हमने लिखा? एल ए एल बटा के ए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका भी अर्थ यहाँ पे यही होता है दोस्तों, जैसा ये पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल में था उसी तरह से लाल बटा कक्का का भी वही अर्थ है। यहाँ भी देखिए तीन संबंध बनेगा आपस में, ये वाला संबंध बनेगा तीन संबंध। और यहाँ दोस्तों एल जो डिनोट करता है वो लंब को डिनोट करता है, एल फोर लंब, ए फोर क्या होता है आधार होता है, और के फोर क्या होता है कर्ण होता है। यहाँ से हिंदी वाले स्टूडेंट का ये जो हो गया लाल बट्टा कक्का, कैसे याद रखेंगे? लाल बट्टा कक्का, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया? क्लियर हो गया। कैसे हो गया क्लियर? देखिए ये हमारा होता है साइन का, दूसरा होगा हमारा कॉस का, और तीसरा होगा हमारा टेन थीटा का। तो कैसे होगा साइन का? देखिए एल बटा के, तो देखिए ये हमारा साइन है ना, तो साइन को हम क्या लिखेंगे? एल बटा के लिखेंगे। देखिए एल बटा के मतलब क्या हुआ? एल से लंब, यहाँ पे हमने बता दिया L से लंब, तो देखिए लंब हो गया, K से कर्ण, तो L बटा K हो गया। दूसरा हम क्या देखेंगे? cos थीटा का ये होता है आधार बटा कर्ण, A बटा K, आधार बटा K से कर्ण, देखिए यहाँ पे है क्या आधार बटा कर्ण हो गया ना, तो A बटा K मतलब आधार बटा कर्ण हो गया। और तीसरा जो होता है हमारा टेन का होता है, और ये हमारा एल बटा ए है, अर्थात क्या हो गया दोस्तों? ये एल हो गया और इधर से ए हो गया, मतलब क्या? ये एल फोर लंब और ए फोर आधार, यहाँ पे देखिए है क्या लंब और आधार। इसका अर्थ क्या है कि जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं ये भी हमारा क्या है? इसी से रिलेटेड है। मतलब और आसान होते जा रहा है, सिंपल होते चला जा रहा है, लॉलीपॉप होते चला जा रहा है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया? एल बटा ए हो गया। तो ये हमारा वैल्यू टेन थीटा का निकल गया, एल बटा ए अर्थात लंब बटा आधार। अब हम बात करते हैं कोसेक का क्या होगा, तो कोसेक का यहाँ से नीचे से होता है, कोसेक ये है, तो कोसेक का क्या होगा? के बटा एल, नीचे से ऊपर के बटा एल होगा, अर्थात क्या दोस्तों? के फोर कर्ण और एल फोर लंब। यहाँ से हम पीछे आते हैं, क्या कर्ण और लंब है क्या? तो यहाँ पे भी कर्ण है और लंब है, तो कर्ण और लंब हो गया। इस तरह से ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारा सेक का, तो सेक का दोस्तों ये होता है हमारा सेक का, कहाँ से लेंगे? नीचे से ऊपर लेंगे, तो ये क्या होगा? कर्ण, और ये क्या होगा? आधार। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं? के लेते हैं, और फिर यहाँ से नीचे हमारा आधार होगा, तो देखते हैं क्या कर्ण और आधार का संबंध है क्या। देखिए ऊपर में कर्ण हो गया और नीचे आधार हो गया, ठीक है। और अंतिम हमारा है कोट भाई साहब का, कोट भाई साहब का भी देख लेते हैं भाई क्या है। ये कोट का हमारा अंतिम होगा, और कोट क्या है? आधार और लंब का संबंध है। तो यहाँ भी क्या करते हैं दोस्तों? आधार और लंब को लेते हैं और यहाँ पे आकर के पीछे मिलाते हैं। क्या आधार है? हाँ। लंब है? हाँ। अर्थात क्या हुआ? लंब और आधार भी आ गया। तो इसका अर्थ क्या है कि छः भाई का भी हम रिलेशन बहुत ही बारीकी रूप से देख लिए, और इसका जो है रिलेशन दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम ज्ञात कर लिए। अब इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसको हम कैसे यहाँ से निकाल पाएंगे ये भी आप देख लीजिए। और उससे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। छः भाई थे, छः भाई का नाम क्या था? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यही छः भाई थे। हम इसको याद करने बताए थे साइन कॉस टेन फिर कॉसेक सेक कॉट, तीनों को ले लेंगे साइन कॉस टेन फिर कॉसेक सेक कॉट, और तीनों को यदि हम जोड़ देंगे तीन इधर और छः भाई हो गया। और छः भाई का हम संबंध देखें दोस्तों कि ये हमारा होता है लंब और कर्ण का, फिर आधार और कर्ण का, फिर लंब और आधार का, और कर्ण और लंब का, फिर कर्ण और आधार का, और आधार और लंब का संबंध होता है। इसको याद करने के लिए हमने दो फॉर्मूला को अपनाया, एक सीबीएसई बोर्ड वाला का और एक जैक बोर्ड वाला का। क्या था? पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, और दूसरा था लाल बट्टा कक्का। और इसके आधार पर हमने
छेवों का छुड़ा दिया छक्का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं एग्जांपल कि आखिर इसको हम बनाएंगे कैसे, किस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए प्रश्न यहाँ पे इस तरह से पूछेगा कि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में आपको दिया हुआ है इस भुजा का मान है 3 यूनिट और इस भुजा का मान है 4 यूनिट और इस भुजा का मान है दोस्तों 5 यूनिट और त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है। बोला गया है क्वेश्चन आपको कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको बोलेगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। अर्थात क्या है कि सभी मतलब तीनों और उसका तीनों ओपोजिट क्या हो गया, छेवों का क्या ज्ञात करना है दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ से आप चलेंगे हमारे साथ, हम आपको लेकर के चलते हैं दोस्तों। ये हमारा 6 भाई साइन कॉस टेन कॉस एक्स है कॉट है और 6 भाई का हम यहाँ से रिलेशन ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम खोज लेते हैं क्या क्या हमको तीन चीज चाहिए। क्या चाहिए, एक तो हमको बेस चाहिए, एक तो हमको परपेंडिकुलर चाहिए और एक हमको हाइपोटेनस चाहिए, अर्थात PB और H चाहिए। तो क्या हमको पता है, क्या सब कुछ पता है ना, B भी पता है 4, P पता है 3 और H पता है हमको 5 है। अब हम क्या करते हैं, ये तीनों हमको पता है तो फटाफट से हम चल जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आते हैं। पहला नंबर ये तो 6 ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहला नंबर हमको चाहिए और ये हमारा है साइन थीटा, पहला भाई साइन थीटा और इसका क्या है लंब बटा कर्ण अर्थात पी बटा एच। तो देखिए इसके आधार पर हम बनाते हैं, इसके आधार पर ठीक है, क्या है पी बटा एच है साइन का वैल्यू, पी को हम ढूंढते हैं क्या है भाई, पी है 3 और एच कितना है तो 5 है, तो इसका क्या होगा पी का मान 3 और नीचे हमारा क्या होगा 5 होगा, 3/5 निकल गया, किसका वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, किसके रिस्पेक्ट में, इस त्रिभुज के रिस्पेक्ट में। बहुत आसान है, कैसे लिए, पी है हमारा तो पी को ढूंढेंगे, यहाँ पे पी कौन है 3 है और एच है हमारा, एच को ढूंढेंगे भाई ये 5 है, निकल गया कितना निकला 3/5। दूसरे भाई के पास चलते हैं, ये हमारा कॉस थीटा है और ये हमारा होता है B/H, बी को ढूंढिए क्या है 4, एच क्या है 5, तो क्या लिखेंगे बी है ऊपर तो 4 और नीचे क्या होगा दोस्तों 5 हो जाएगा, कितना आसान है 4/5। जब हम क्वेश्चन बनाने लगेंगे चैप्टर का तो और ये इजी हो जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन का भी उत्तर देने लगेंगे, तो देखते रहिए और बने रहिए। देखिए 10 थीटा बराबर क्या होगा, 10 थीटा के पास जाते हैं तो इसका भाई साहब ये क्या है पी और बी का है, तो देखिए पी कितना है 3 है और बी कितना है 4 है, तो ये क्या होगा 3/4 हो गया, 10 ये हो गया। कोसेक को हम देखेंगे दोस्तों क्या है, एच और पी का संबंध है तो एच को हम खोज लिए कितना है 5 है और पी को खोजेंगे तो ये 3 हमारा है, 5/3 हो गया, किसका कोसेक का। सेक को देखते हैं, h/b है तो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू कितना है तो b का वैल्यू 4 है, तो ऊपर में 5 और नीचे में 4 और आ गया हमारा आंसर। कॉट थीटा है, इसको हम क्या कहेंगे b/p, तो देखिए b क्या है 4 और p क्या है 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा 4/3। यहाँ से हमने क्या देखा, ये 6 भाई का रिलेशन देख लिया और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लिया। सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करने का अर्थ है कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 चीज़ का वैल्यू निकाल देना है रगड़ के। और इस तरह से हमने यहाँ भी देखा कि सबका जो है पोल खुल गया, किसका किसका 6 का, और इस अनुसार से सभी का आंसर भी आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप कहीं भी पढ़े होंगे फिर भी और नहीं पढ़े होंगे फिर भी आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। और यदि आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हम आपको अगला वीडियो में लेकर के आने वाले हैं इसके धमाकेदार जो प्रश्न हैं उस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ऐसा तरीका जो आपको लगेगा कि वाकई में इस आधार पर यदि सॉल्यूशन किया जाए तो 100 में से 100 मार्क्स आपके नाम का होगा। तो यदि आप भी लाना चाहते हैं 100 में 100 तो आपको अभी से ही करना होगा हमारे साथ सफ़र, हमारे कदमों के साथ आपको मिल करके चलना होगा। तो इस वीडियो में आप ये सारा कुछ देख लिए, अगला वीडियो में इसका ताबड़तोड़ तरीके से आंसर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको लेकर के चलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।